कोई सोची समझी स्कीम थी जिसके तहत ये मामला हुआ है, वरना खुद अहले तशय्यो जो है, मेरी आजकल वो तकरीरें सुनकर जो है वो कहते हैं कि इसमें हमें कोई चीज एतराज वाली नजर नहीं आ रही। मेरे एक साहब ने मुझे इतला दी है कि एक हमारे जानने वाले हैं, उनके दुकान के चौबारे पर कसीर तादाद में ताजिर जो है शिया, एक खास मार्केट के, वो जमा हुए, मेरी दोनों तकरीरें उन्होंने सुनी। उसके बाद एतराज किया तो सिर्फ एक किया कि यजीद की उम्र तो उस वक्त 2 बरस थी जबकि ये कुस्तुनतुनिया का जिहाद हुआ, वो कैसे उसका 70 सालार हो सकता था। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको तारीख का कुछ इल्म होता तो आप उसी पर पकड़ लेते कि साबित कर दो, ये किसी तारीख के हवाले से ये साबित कर दो कि उस वक्त यजीद की उम्र 2 बरस थी, तो ठीक है हम तस्लीम कर लेंगे। यही वजह है कि मिसाक में अब मैंने वो मजमून पूरा शाये किया है, 13 हवाले मौजूद हैं कि जिनमें ये बात सराहत के साथ साबित होती है कि यजीद उस लश्कर के अंदर या तो पूरे लश्कर का सिपहसालार था, वरना यह कि सिर्फ एक इब्ने असीर ने, अल कामिल एक किताब है तारीख की, उसमें यह बात लिखी है कि उसका एक बहुत बड़ा जो भेजा गया है दस्ताबाद में, उसकी सिपहसालारी, उसकी कमान जो है यजीद के पास थी। लेकिन बहरहाल 2 बरस का बच्चा तो कोई शख्स भी उसे साबित नहीं कर सकता कि वो 2 बरस का बच्चा था, तो दस्ते की कमान भी एक 2 बरस के बच्चे को तो नहीं दी जा सकती। बहरहाल ये जो मामलात हैं तारीख के, अब वो सामने आएंगे इंशाल्लाह और हम उन चीजों को आम करेंगे। हमें कुछ और नहीं करना, किसी पर हमें कोई तान नहीं करना, किसी को इल्जाम नहीं देना। हम तो ये चाहते हैं कि जो सही तस्वीर है वो लोगों के सामने आ जाए, उसके बाद लोग खुद इंसाफ जो है वो करेंगे और सही राय जो है उनके सामने आती चली जाएगी। और ये भी मैं समझता हूँ कि अब अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी बात हो गई है कि हमें इसमें कुछ ना कुछ अपना यानी अपनी तवज्जोहात का कुछ हिस्सा अब इस काम में लगाना पड़ेगा, चाहे वो हमारे प्रोग्राम में शामिल था चाहे नहीं था। ये चीज जिस तरीके से हुई है, अब जाहिर बात है कि जो बहस उठ गई है और जो लोगों के सामने सवालिया निशान आ गए हैं, अब उनके बारे में वजाहत करना ये अब हमारा एक फर्ज है इंशाअल्लाह ताला। जो धमकियां जो भी हो और जिस तरह के भी खतरात हो, खतरा तो यूं समझ लीजिए कि जिंदगी के साथ मौत का खतरा हर लम्हे मौजूद है। जिंदगी वो शय है कि जिसके साथ हर वक्त तलवार मौत की जो है वो उसके सर पर टंगी हुई है, लिहाजा उसका खौफ तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल बेमानी बात है। हमें जो काम करना है और उसमें कोई कतन ये नहीं कि इसको हमने अपना मेन प्रोजेक्ट बना लेना है या यही हमारी असल मुहिम है या इसी पर अपनी सारी तवज्जो हासिल कर देनी है, लेकिन ये कि हकीकत को वाजे करना। और ये 2 बातें मैं अर्ज कर दूं कि तारीख ना इसको समझिए, इसलिए कि हमारे दीन में 2 हवाले मैं दे चुका हूं कि जब हुजूर फरमाते मा आना अलैहि व असहाबी, तो सहाबा हमारे दीन का हिस्सा बन जाते हैं। सहाबा का अमल, सहाबा के जो भी मामूलात थे, सहाबा के जो आरा थी, वो दीन का जुज बनती है। इसी तरीके से अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि पकड़ो मजबूती के साथ मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को। तो खुलफाए राशिदीन का मामला भी हमारे दीन का जुज बनता है, इसलिए यह ना समझिए कि यह सिर्फ तारीख का मामला है, बल्कि यह हमारी गलती रही है अब तक। अहले सुन्नत ने इसे तारीख का मसला करार देकर इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। बाद की तारीख को हम तारीख कह सकते हैं, लेकिन सहाबा किराम के दौर तक और खिलाफत रास्ता, इसकी तारीख तो दर हकीकत हमारे दीन का जुज है और उसको हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके बारे में अगर कोई मुगालते पैदा किए गए हैं तो उनको दूर करना, रफा करना, यह हमारा दीनी फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें अगर कोई कोताही होती रही है तो अब उस कोताही की तलाफी जो है करने की भरपूर कोशिश करना हमारे जिम्मे है। बस मैं इस पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मुझे आज की गुफ्तगू के लिए तैयारी का मौका नहीं मिला था, वैसे भी ये दिन जिस कैफियत में गुजरे हैं आप हजरात को उसका बखूबी अंदाजा होगा, इसलिए इस वक्त जो भी मेरे सामने जहन में मुस्तहज़र चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। फिर इस ज़मन में कोई मुतय्यन सवालात आप हजरात की तरफ से हुए तो आइंदा की शब्बेदारियों में कोई मौका निकाल कर इंशाल्लाह उन सवालात के जवाबात भी इम्कानी हद तक देने की कोशिश करूँगा। एक किताब की तरफ अलबत्ता आपकी तवज्जो में मबजूल कराऊंगा कि हमारे यहाँ एक मरतबा मुहाजरात में मुल्तान से आए भी थे मौलाना नूरुल हसन शाह साहब बुखारी, उनकी किताब जो है शहादत उस्मान पर और सीरत उस्मान पर, हासिल कीजिए वो किताबें और पढ़िए। और नंबर 2 ये कि कशफुल हकायक,
ये इन चीज़ों के बारे में अब्दुल्लाह इब्ने सबा का फितना क्या था उसके बारे में भी तारीखी हवालों की अब जरूरत होगी कि खुद इनकी तारीखों से हवाले निकाले जाएं। रिजाल कशी इनकी एक बहुत बड़ी मशहूर किताब है, अल्लामा कशी, बल्कि फन असमाउर रिजाल पर पहली तसनीफ एक शिया ही ने की। हमारे यहाँ बाद में ये असमाउर रिजाल का फन जो है अहले सुन्नत ने फिर मुहद्दसीन ने इसे बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन असमाउर रिजाल पर पहली तसनीफ एक शिया आलिम ने की है और वो अल्लामा कशी कहलाते हैं। रिजाल कशी उनकी किताब है बहुत मशहूर, और उसमें पूरा का पूरा जो है अब्दुल्ला इब्ने सबा का तर्जुमा मौजूद है, उसके हालात ज़िंदगी, उसके बारे में ये सारे मामलात और शिया की तवारीख में उनका जिक्र मौजूद है। और उन्हीं की किताबों में ये दर्ज है कि हज़रत अली ने उन्हें ज़िंदा जलवाया है, और आज अब वो ये कहते हैं कि इब्ने सबा तो कोई शख्स था ही नहीं है, खाम खा ये घड़ी हुई शख्सियत है। तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरत होगी कि आप हजरात इनका मुताला करें और इन चीज़ों के साथ जो है आप दलील के इस हथियार से मुसल्ला हों, ताकि जब कहीं गुफ्तगू हो, गुफ्तगू अब होगी हर मामले के अंदर, और आप जहां भी अपनी दावत जो है बुनियादी और उसूली दावत पहुंचाने के लिए जाएंगे वहां आप लोगों को इन सवालात के साथ मुंतजिर पाएंगे। लिहाजा उसके लिए तैयारी करने के लिए ये किताबें हासिल कीजिए और इनका मुताला कीजिए। इसी तरह मौलाना मंजूर नुमानी साहब की किताब जो है वो भी बहुत मुफीद है, उसका भी मुताला कीजिए। अकूल कौली हाजा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।